Welcome everyone, how are you? Today we will study chapter 3 of class 11 trigonometric functions, exercise 3.3, question number 10. Sine n plus x, again we have to prove sine n plus 1x sine n plus 2x plus cos n plus 1x cos n plus 2x is equal to cos x. यहाँ ये जिस टाइप का सम है ऐसा क्वेश्चन हम आई थिंक सो इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास इसी टाइप का एक्सप्रेशन था जिसमें दो एंगल सेम थे, एक n प्लस 1 इंटू एक्स एंगल है और एक n प्लस 2 इंटू एक्स है. यहाँ पर n प्लस 1 इंटू एक्स है और यहाँ पर n प्लस 2 इंटू एक्स है, मतलब कि हमारे पास दो टाइप के तो एंगल्स हैं और दो टी रेशियोज हैं और सेम टी रेशियोज एक टर्म में है, सेम टी रेशियोज एक टर्म में है. तो यहाँ से हम कुछ पहचान लगा सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी इस पर अप्लाई होती है. हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी cos a माइनस b की, दैट इज इक्वल टू sin a sin b प्लस cos a cos b. तो दैट मीन्स ये एंगल अगर हम a सपोज करें और ये एंगल हम b सपोज करें, ये अगेन वही n प्लस 1 इंटू x a सपोज करें और इसको b सपोज करें, तो ये क्या आइडेंटिटी बन रही है, sin a sin b प्लस cos a cos b. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो sin a sin b cos a cos b और इसके बीच में प्लस का साइन है, तो दैट मीन्स हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है ये cos a माइनस b की हो सकती है, क्योंकि जब a माइनस b होता है तो यहाँ पर माइनस की बजाय प्लस का साइन होता है और जब a प्लस b होता है तो यहाँ पर जो है साइन माइनस का होता है. तो यहाँ क्योंकि प्लस का है बीच में तो ये माइनस की आइडेंटिटी हो सकती है. और हम यहाँ x और y की आइडेंटिटी पढ़ी हमने, तो हम a और b क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ x इसके अंदर इन्वॉल्व है तो हम a और b ले रहे हैं. तो अगेन वी विल बी पुटिंग दिस एंगल, लेट हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन n प्लस 1 x इंटू साइन n प्लस 2 x प्लस कॉस n प्लस 1 x इंटू कॉस n प्लस 2 x. अब हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसके लिए हमने क्या सिक्स क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले हमने इन दो एंगल्स को ए और बी सपोज कर लिया था और उस पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई करके वापस फिर वही वैल्यूज पुट की थी, तो हमारा आंसर हमें मिल गया था. तो हम लिख लेते हैं, लेट n प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एंड दूसरा एंगल हमारा जो है n प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, और इन दोनों को हम इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. तो फ्रॉम यहाँ 1 लिख लेते हैं, सो फ्रॉम 1 जो हमारा एक्सप्रेशन 1 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स दैट इज ए और साइन बी, फिर प्लस साइन कोस इसकी जगह ए और कोस बी, क्योंकि n प्लस 2 इंटू एक्स हमने बी सपोज किया है, ये हमारे पास आ गया. अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये आइडेंटिटी किसकी है, दिस इज इक्वल टू, ये जो है दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी के इक्वल है. यहाँ पर हम रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी. यहाँ हम ये रीज़न दे सकते हैं ताकि जो एग्जामिनर है वो देख रहा है, वो चेक कर रहा है, तो उसको ये पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिटी पता है और वो इस पर अप्लाई कर रहे हैं. उसके बाद अब हम क्या करेंगे, वापस ये तो हमने यहाँ पर हमें सिर्फ यही देखना था कि ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, अदरवाइज़ हमें यहाँ से भी देख सकते थे, हम डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते थे कि ये साइन ए बी का अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला. बट अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा एक तो ये जो सारा एक्सप्रेशन है वो थोड़ा शॉर्ट में आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये किसकी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है. हमें पता चल गया ये कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी है. तो अब हम वापस ए और बी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे ये जो है ए इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू एक्स पुट कर देते हैं साइन, क्योंकि वैल्यू तो हमने इसी की ही निकालनी है, तो साइन ए साइन एन प्लस वन एक्स साइन एन प्लस टू एक्स देन प्लस
cos n plus 1 into x and cos n plus 2 into x is equal to cos a. a क्या है हमारा? n plus 1 into x minus b n plus 2 into x. तो ये तो एक्सप्रेशन हमने यहाँ था, इसको हमने cos x के इक्वल प्रूव करना है. और अब हम इस जो हमारी राइट हैंड साइड आई है उसको लेकर चलते हैं, उसको मतलब हम उसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करके वो cos x के इक्वल आनी चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी यही है. तो दिस इज़ इक्वल टू cos, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये बन जाएगा हमारे पास एन एक्स प्लस एक्स, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस एन एक्स, और माइनस बाहर है क्योंकि, तो अंदर भी टू माइनस का हो जाएगा माइनस टू एक्स. तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये प्लस है तो ये कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या बच गया? कोस एक्स माइनस टू एक्स. अब x माइनस टू एक्स इज़ माइनस एक्स, लेकिन हमारे पास तो cos x है राइट हैंड साइड में. अब हम क्या करें? लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि cos माइनस एक्स इज़ ऑलवेज इज इक्वल टू cos x, क्योंकि जब इसके एंगल को पॉजिटिव बनाते हैं तो नेगेटिव साइन इसका फिनिश हो जाता है. सो दिस इज इक्वल टू cos x एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. थैंक यू.